अगले कॉलर हैं कृष्ण जैन हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरी उम्र 6 ईयर्स है जी। पिछले किस जी। 3 महीने से उनके शरीर पे कुछ दाने हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, खुजली होती है, फिर कम हो जाते हैं, फिर और हो जाते हैं। ठीक है। ओ अलसी लीजिए, 300 ग्राम, और नमक लीजिए, सॉरी नमक नहीं, सोडा खाने का 50 ग्राम, और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इसका पाउडर बनाएं, और 2 2 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ खाएं, और 5 बार गर्म पानी पिए तो मरीज का ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल देखिए, छोटी सी बातों का ख्याल आपको रखना है, फिर देखिएगा आपकी बीमारी कैसे छुमंतर हो जाती है। ये बात करते हैं अगले कॉलर से। जी स्वागत है आपका भानु प्रताप जी। हाँ मैडम, ये बिलीव की हड्डी जो है थोड़ी स्लिप हो गई, गई डिस्क जो ही तो स्लिप बैक डिस्क, में जब चलने परेशानी होती ठीक है। एज क्या है आपकी? है जी। मेरी उम्र 75 साल की है। 75 साल। हाँ देखिए, बहुत ख्याल रखिए अपना, और ज़मीन में बिल्कुल ना बैठें। वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग अनिवार्य है। वेस्टर्न टॉयलेट मतलब कुर्सी वाला बाथरूम, और दवा के तौर पर अगर आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाएं तो आपकी ये समस्या हल होना मुमकिन है। जी अगली कॉलर है प्रिया पंजाब से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते हेलो मैडम जी। जी नमस्कार, बताइए सवाल करिए। मैडम जी, मैंने अभी पूछा था, अभी मेरी बेटी की हाइट नहीं बढ़ी, उन्होंने बोला था ना नारियल में क्या मिलाकर देना है। ठीक है, नारियल के पानी पानी में 1/2 ग्राम गौन मोरिंगा लेना है। गौन मोरिंगा लिख लीजिए आप पहले, और फिर गौन मोरिंगा, एक और ये मिनट भी सर, मोरिंगा, गौन MORINGA मोरिंगा। तो ये भी सफ़ेद वाला लेना है, लाल लाल मिलता है वो नकली होता है, सफ़ेद वाला लेना, ओरिजिनल। कोई समस्या हो तो आप हमारी सेवा भी ले सकते हैं, आपको मदद की जाए, कहाँ मिलता है कि कैसे मिलता है। गौन मोरिंगा सिर्फ 1/2 ग्राम मिलाना है, ये रॉ मटेरियल लेना, पिसा पिसाया नहीं लेना, और आपको बस 1/2 ग्राम, 1/2 ग्राम समझते हैं एक छोटी सी टेबलेट की बराबर, उसमें मिलाकर उनको रोज़ाना पिलाया करिए, फ़ायदा मुमकिन है। जी। नेक्स्ट कॉलर है अर्जुन हमारे साथ, स्वागत है अर्जुन आपका। हाँ हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार, सवाल करिए अपना। नमस्कार जी। जी जी आदाब अर्जुन जी, बताइए। हाँ जी सर, हमारा जो है ना मेमोरी बहुत कमजोर है, याददाश्त नहीं हो रही है, थोड़ी देर बाद में भूल जाते हैं कुछ। अच्छा, एज कितनी है? और फिर तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि मैं कुछ बताऊंगा आप फौरन भूल जाएंगे, तो आपको लिखना हाँ ज़रूरी फोर्टी है। फोर्टी एज कितनी है आपकी? फोर्टी एज कितनी है? फोर्टी 40 कुछ है शायद, है ना? हाँ जी। ठीक है। देखिए, आप गर्म पानी 5 बार पिया करें, और 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम गौन मोरिंगा खूब बारीक पाउडर बनाएं, और 1 1 ग्राम सुबह शाम पानी से लें, गर्म पानी से, और 1 घंटा धूप में चलें या धूप में बैठें। अगर चलने के लायक हैं तो 1 घंटा धूप में चलें, और बैठने के लायक हैं, चल नहीं सकते तो धूप में बैठें ज़रूर, और खूब ऊपर वाले से मदद मांगें। इस उम्र में याददाश्त कम होना अच्छी अलामत नहीं है। जी अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। हेलो, हाँ क्या यहाँ नाम पर है? जिंदगी जो मेरा तमिलनाडु है। जी बताइए सवाल करिए। हाँ मैं पेट साफ नहीं हो रहा है तो इसलिए डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी बताइए। जी हाँ, वो सांस की शिकायत है हमारे यहाँ मिस्टर को, तो उससे क्या है कि दोनों साइड डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पसलियों में कफ जमा है, वो पेट साफ नहीं होता इनका। ठीक है ठीक है।
देखिए अलग अलग इलाज है, पेट साफ करने के लिए अलग नुस्खा है और कफ का अलग है। अब आप ये समझ लीजिए कि कफ अगर साफ करना है तो आपको लेना पड़ेगा, देखिए सपिस्तान, उन्नाव, अलसी पाउडर बनाएं और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं, पाउडर बना के सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें तो आपका कफ साफ हो सकता है। और पेट साफ करना हो तो अलसी 500 ग्राम भून के पाउडर बनाएं और 100 ग्राम नमक कलौंजी इसमें मिलाकर आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाएं, तो इससे पेट साफ होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर है फरीदाबाद से, मनीषा हमारे साथ, स्वागत है आपका। आवाज मनीषा जी स्वागत है आपका, सवाल करिए। आवाज हेलो, हाँ जी बोलिए सवाल करिए। मैं डॉक्टर साहब मनीषा बोल रही फरीदाबाद से, मुझे सिस्ट है और फाइब्रॉइड भी है और अभी किडनी में स्टोन आ गया है। जी ठीक, हाँ जी तो देखिए सिस्ट, फाइबर और किडनी स्टोन, इनके लिए एक इलाज बता रहा हूँ और वो आप समझ लीजिए कैसे करना है। देखिए एक नमक आता है जिसे कहते हैं नमक जैतून, इसे हम आसान जबान में, आसान भाषा में नमक जैतून कहते हैं। वैसे ये एस्टेक कलौंजी, वो एस्टेक जैतून होता है यानी रसायन जैतून, ये आधा ग्राम लें, एक गिलास पानी मिलाएं और एक नींबू बड़ा सा इसमें निचोड़ कर इसे पिया करें, और इसके साथ एक दो गिलास और पानी पी सकते हैं तो पिया करें। ये ऐसी खुराक आप दिन में दो बार लीजिए और पानी खूब पीजिए तो सिस्ट, पथरी और ये जो आपने बताया ये इसका निवारण मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर है शिक्षा हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, चलिए लगता है शायद आपसे हमारा संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं, फिर से संपर्क। अरे आप लाइव पे, ठीक है ठीक है ठीक है, सवाल करिए। मैंने वैद्य जी से करनी थी बात। जी दीक्षा बताइए क्या सवाल है। हाँ जी मैं बता रही, मेरा ना एक तो बहुत पेट खराब रहता है वैद्य जी। जी हाँ जी, हाँ मैं फोन पे आ गया आपका, आ रहा हूँ। मेरा पेट खराब रहता है जी बहुत और सारे शरीर में दर्द है, कमर गोड्डे में दर्द है। हेलो, ठीक है ठीक है, हेलो जी, हाँ जी हाँ जी। जब पेट, पेट के लिए तो हर जब भी खाना खाएं तो एक एक चम्मच सौंफ चबा के खाया करें और गर्म पानी पिया करें, 5 बार गर्म पानी पिएं। और जोड़ों के दर्द के लिए गौंद स्याह नाम का एक गौंद आता है जिसे काला गौंद भी कहते हैं, आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं। आप देखेंगे कि 100 ग्राम भी अगर आपको असली मिल गया, इसका असली मिलना बहुत ज़रूरी, नकली भी बहुत मिलता है, रॉ मटेरियल लें, पिसा पिसाया ना लें, कड़वा होता है जायके में, देखने में ये ब्राउन होता है लेकिन इसे गौंद सिया या काला गौंद कहते हैं, इसे आप लिया करें बगैर चर्बी के दूध से तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल देखिए फ़ायदा ही फ़ायदा आपको हो सकता है, इसमें तो कोई भी शक है ही नहीं, लेकिन वो तभी जब आप ये नुस्खे अपनाती हैं, जब आप परहेज़ करते हैं और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज दर्शकों आप लोगों को बताई जाती है वो आप लोग करते हैं। तो आपको अगर लाभ उठाना है, आप लोगों को सेहतमंद रहना है, हर एक परेशानी को दूर करना है अपने शरीर से और रोग मुक्त जीवन जीना है तो ये सभी नुस्खे आपके लिए बहुत बेहतर हैं, कीमती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं गौन सिया के बारे में, गौन मोरिंगा के बारे में, हमारे साथ एक दो कॉलर ऐसे जुड़ चुके हैं हकीम साहब जिन्होंने कहा कि हमने तो परचून की दुकान से ले लिया था, उसमें तो कोई जायका ही नहीं, लेकिन आप बताते हैं वो तो कड़वा होता है। तो इतने सारे गौंसिया मार्केट में ऐसे भी उपलब्ध हैं जिनका कोई स्वाद ही नहीं है। देखिए जो आवाम है बहुत सीधी सादी होती बिल्कुल है, और मैं इसीलिए ये बताता हूँ कि जायका कैसा होता है, जी देखने जी में कैसा होता है, कलर कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, तो लेने से पहले इंक्वायरी करना ज़रूरी। इसलिए कहता हूँ कि मैं जो भी बताता हूँ वो अगर असली लेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है, और मतलब नमक की जगह अगर मिर्ची कोई दे देगा तो उसमें फ़र्क पड़ेगा ना। तो गौंद स्याह लोग दे रहे हैं नकली, वो कड़वे भी नहीं होते और असली भी नहीं होते, असली मिलेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। कोशिश कीजिए असली चीज़ लीजिए ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके।
आइए अब बात कर लेते हैं कॉलर से। पहले कॉलर है हमारे साथ जबलपुर से, स्वागत है आपका। हाँ मैम। हाँ मैम, मैं बोलिए बोलिए, सवाल करिए। हाँ मेरी हकीम सर से बात हुई थी मैम। अच्छा, तो लेने के लिए अलसी और या गोंद, तो वो मुझे मंगवाना है वहाँ से। ठीक है ठीक, यहाँ तो फिर ले क्या है। ठीक है, जो लोग फोन लाइन पर बैठे हैं इनकी मदद की जाए, इनकी सहायता की जाए, और फिर से मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। फ़ोन लाइन पर जो लोग बैठे हैं इनके नंबर नोट करें और इनको मदद करें। देखिए, आपको अलसी लेनी है और सिया गोंद लेना। अलसी 500 ग्राम, सिया गोंद 100 ग्राम, और अलसी को भून कर पाउडर बना लें और सिया गोंद को अलग पाउडर बनाएं। इसकी दो चुटकी एक चम्मच अलसी पाउडर में मिलाकर रोज़ाना सुबह और शाम नाश्ते के पश्चात खाएं तो आपको फ़ायदा होगा। आपको हमारी तरफ से कॉल आएगी या आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लें। अभी आप लाइव बात कर रहे हैं तो वो आपको पूरी बात बता देंगे, कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, कैसा होता है, कितने का होता है, तो आपको मदद अभी मिल जाएगी। बिल्कुल, एक छोटी सी बात यहाँ पे जानना चाहूँगी आपसे हकीम साहब, गौनसिया के बारे में जब आप बात करते हैं कि गौनसिया असली ही होना चाहिए, और गौनसिया क्या इतना गर्म होता है कि अगर हम इसे ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकता है। हाँ, गौनसिया ही नहीं बल्कि हर चीज़ हमें नुकसान पहुँचा सकती है, जो भी हम अपनी यानी बर्दाश्त से बाहर ले लें। बिल्कुल, मतलब हर चीज़ हमें नुकसान देती है जब हम उससे ज़्यादा ले लेते हैं। कम लेंगे तो नुकसान नहीं देगी, तो फ़ायदा थोड़ा कम होगा जी। लेकिन एक तबीब, एक हकीम, एक वैद जो क्वांटिटी बताता है उससे ज़्यादा कभी ना करें। बिल्कुल। अच्छा, ये क्योंकि बहुत तेज़ इससे दवाएं बनती हैं, जितनी भी ओरिजिनल दवाएं बनती हैं दर्द की, तो ये गोंद यूज़ होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी मकदार है जो एक वक्त में ले सकते हैं इसका, वो आधा ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते। कुछ लोग गलत सुनकर, गलत लिखकर और अगर करेंगे तो उनको परेशानी हो सकती है। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, जी अमरीश बात कर रहा हूँ। बताइए। नमस्कार जी, आदाब रमेश जी। लेकिन सर मेरे ना फेस पे स्वेलिंग स्वेलिंग सी हो गई है, ऐसे है ना जैसे लटका लटका सा हो गया, आंखों के नीचे काफी ज्यादा गहरी सी खाल ऐसे ना उभर गई है जगह जगह फेस पे, चकते चकते जैसे। मैं डॉक्टर को दिखाया, वो बोल रहे कि बीपी की परेशानी, बीपी की मेरे परेशानी रहती नहीं है। ठीक, वो कह रहे हैं कि नहीं बीपी की परेशानी, उन्होंने दवाई लिख दी है विटामिन वगैरह और क्या क्या बीपी की दवाइयाँ, किस वजह से हो सकता है ये। बीपी तो चेक करा लें कहीं भी, आजकल तो जगह जगह पर मशीनें हैं बीपी की, आप घरों में रखने लगे हैं तो बीपी होगा तो नज़र आ जाएगा। लेकिन बीपी की शिकायत की एक ख़ास निशानी होती है कि हमारे ये जो ये जगह है ना, नीचे वाली पलक, एक ऊपर की पलक होती है एक नीचे वाली, ये सूज जाती है जिसको बीपी रहता है। तो क्या ये सूजी भी, आप तो चकत्ते बता रहे हैं, तो चकत्ते तो किसी दवा का नुकसान से हो सकते हैं। और ये ठीक होना भी बड़ा आसान है, एक चुटकी नमक एक गिलास पानी मिलाकर पी लीजिए आप, और पानी ज़्यादा पीजिए, तो ये चकत्ते लाल लाल हो जाते हैं, ये किसी दवा का मामूली से मामूली रिएक्शन होता है, और अगर पूरी बॉडी पे होंगे तब भी इनका ठीक होना मुमकिन है।